इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सैरोटेक का राउटर खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए ताकि आपका पैसा भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, एक यहाँ पे सैरोटेक का यहाँ पे एक राउटर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा राउटर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक इसमें एंटीना नहीं है। तो एंटीना इसमें क्या है, इंटरनल एंटीना है। तो इसमें आपको ये आपको ऑफर में 1000 तक का ये राउटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और दिखाने वाला हूँ इसमें क्या क्या फीचर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसमें यहाँ पे हम इनपुट लगाएंगे जहाँ पे पॉन बोलते हैं, यहाँ पे इथरनेट लाइन केबल लगा सकते हैं, यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको इनपुट देख सकते हैं डीसी, जिससे ये चलेगा। अब हम दिखाते हैं कि इसके आप जैसे ही आप ये लगाएंगे तो इसमें क्या क्या फीचर आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको देंगे तो यहाँ पे आपको पावर लाइट जलेगा, और यहाँ पे एक पॉन लाइट है। पॉन लाइट मस्ट भी स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका इंटरनेट नहीं आएगा। ये जो चारों के चारों लाइट है आपका ग्लो होना चाहिए, तभी आपका इंटरनेट ग्लो होगा, इंटरनेट काम करेगा। वैसे ही देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे भी आप, ये हमारा क्या होगा, इसका जो भी इसका एंटीना क्या रहता है, इंटरनल रहता है। इसमें कोई आपको आउटडोर में कोई एंटीना नहीं दिखेगा। और ये आपका स्पीड जो शो करेगा 1024 Mbps तक का स्पीड शो करता है, और ये ईपोन और जीपोन दोनों पे काम करता है। इसको हम ओइनुम मॉडम बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। वहीं हम दिखा दें आपको ड्यूएल बैंड के लिए, तो ड्यूएल बैंड और सिंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ये दो एंटीना है तो दो एंटीना से आप समझ जाइएगा कि ये सिंगल बैंड राउटर है। वहीं आपको अगर आपको फोर एंटीना दिख जाए तो आपको ये समझ लेना है ये डुअल बैंड राउटर है। ये इसमें खास बात ये होती है कि इसमें दो बैंड रहता है, 2.4 GHz का और 1 5 GHz का। जो 5 GHz होता है वो स्पीड काफी हाई देता है लेकिन उसका शॉर्ट रेंज रहता है, और 2.4 GHz वाला स्पीड ठीक ठाक देता है लेकिन उसका रेंज होता है आपको 20-30 मीटर तक आराम से मिल जाएगा, और 5G वाला आपको 15 मीटर तक आसानी से स्पीड मिलेगा, वही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। अगर एक रूम के लिए लगाना है तो 5 GHz वाला बैंड यूज कीजिए, अगर दूर तक यूज करना है 2.4 GHz। अब हम दिखाते हैं स्पेसिफिकेशन आपको कौन सा लेना चाहिए। अब सिंगल बैंड में लेना है तो आप जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए सैरोटेक में सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे सैरोटेक में आपको क्या क्या दिखेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें एक आपको सबसे पहले दिखेगा दो इथरनेट केबल दिखेगा, लैन 1 लैन 2, और एक यहाँ पे FXS वाला जो दिख रहा है वो आपका टेलीफोन के लिए यूज किया जाता है, PON PON वाला जहाँ से हम इनपुट देंगे। इस तरह यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। ये हो गया आपको, ये आपको शो करेगा 300 Mbps तक का स्पीड को शो करेगा। अब हम दिखाते हैं, अब मैं शो करता हूँ आपके सामने 4G राउटर जिसको बोलते हैं डुअल बैंड। डुअल बैंड में क्या होता है कि 4G में 2 बैंड हो गया, इसमें आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 4 एंटीना दिख रहा है, इसी से आप डायरेक्ट पता कर लीजिएगा कि यहाँ पे डुअल बैंड है। डुअल बैंड में और भी दिखा देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर आपको शो करने को मिले, शो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सैरोटेक है, और यहाँ पे इसमें टेलीफोन लाइन भी सपोर्ट करता है, लैन 1 भी सपोर्ट करता है, इसमें दोनों बैंड आ जाते हैं जिसके कारण ये हाई स्पीड राउटर को सपोर्ट करता है। ये आपको इसको राउटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और ये और ऑनलाइन आपको राउटर खरीदने का बेनिफिट एक ये भी होता है कि मान के चलिए आपका ये राउटर खराब हो गया तो आप दूसरा राउटर मंगा के इसको रिटर्न कर दीजिए, तो आपका राउटर चलेगा भी और आपका राउटर नया भी हो जाएगा। ये ऑप्शन होता है ऑनलाइन खरीदने से। बहुत सारी कंपनी है लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सैरोटेक कंपनी का ही, कि सैरोटेक आप लगाइए। सैरोटेक में बेनिफिट यही है कि उसका सर्विस काफी अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए 4 PON है, और जिसमें 4 पोर्ट है उसमें 2 ही पोर्ट दिख रहा है। ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप देख के आप खरीद सकते हैं, कोई भी राउटर दूसरा कंपनी का भी ले सकते हैं, जैसे कि एक ऑप्ट्रॉनिक्स कंपनी। ऑप्ट्रॉनिक्स का फाइबर अगर अगर आप लेंगे तो भी आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे साइरोटेक दिख रहा है, साइरोटेक का ही आपको ऑनलाइन में ज्यादा दिखेगा। और कोई दूसरा कंपनी का अगर मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए फाइबर केबल यही होता है जो FCFC पैच कोड होता है, SCSE, और ये पैच कोड, और ये हो गया हमारा इथरनेट केबल। इथरनेट केबल दोनों साइड आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका इंटरनेट स्पीड काफी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।